शांत अद्वैत आश्रम पर हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण किया गया। जीवन एक कर्तव्य पथ है, सनातन धर्म कर्तव्य क्रांति का एक सतत अभियान है। अनुपजाऊ भूमि पर वृक्ष उगाना एक अश्वमेघ यज्ञ के समान। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज द्वारा निरंतर राष्ट्रभर की बंजर भूमियों को हरा भरा करने का अभियान आह्वान किया जाता रहा है। स्वामी जी के अल्प प्रवास पर शिष्यगण द्वारा आश्रम परिसर के चट्टानी क्षेत्रों पर श्रम कर उपजाऊ काली मिट्टी, जैविक खाद इत्यादि लाकर प्रत्येक वर्ष के भांति ही निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर अशोक परिहार, नवीन गुजराती, अमरीश शुक्ला, पंडित श्याम गुरु, पंडित बैरागी, विशाल सागर, अंशुमन दुबे, उज्जवल सोलंकी, कपिल गवली, कमल आंजना इत्यादि श्रमरत रहे। पुरोहितों द्वारा वेद ऋचाओं के पाठ के चलते व्रत वृक्षारोपण किया। उल्लेखनीय उपस्थित सुमेर सिंह सोलंकी अवंतिका एक्सप्रेस व घटिया के समाजसेवी वाल्मीकि की रही। इन्होंने दक्षिणेश्वर विजय वीर पंचमुखी हनुमान की पूजा अर्चना कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर वृक्षारोपण किया। जानकारी आश्रम के अशोक परिहार ने दी। भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिरभवतु सर्वारिष्टो शान्तिरस्तु पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। जी देखिए, प्रति वर्षानुसार हम लोग प्रयास ये करते हैं कि श्रावण के अंदर जितनी भी अनुपजाऊ भूमि है उन भूमियों को हम हरा भरा करें। और हमारा स्वयं का ये जो आश्रम है शांत अद्वैत आश्रम, ये आगर के एक ऐसे बल्ले जो कि अनप्रोडक्टिव लैंड है उसके ऊपर स्थित है। पथरीली भूमि होने के कारण, यहाँ पर जल की कमी होने के कारण सारे वनों का विनाश हो चुका है, और उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए यहाँ प्रयास करते हैं कि प्रतिवर्ष हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। पिछले वर्ष हमने 35,000 बीजों की बॉल्स बना करके उसका रोपण किया था एक संस्था के माध्यम से, और इस वर्ष हम जितने भी हैं बड़े पेड़ लगा रहे हैं, कुछ फलों के पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्राकृतिक चिकित्सा का एक केंद्र बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर समस्त जितने शिष्य हैं आश्रम से जुड़े हुए, जितने सहयोगी हैं, वे लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर निरंतर अभी सप्ताह वृक्षारोपण करेंगे। जी गुरु जी, आश्रम का कोई नाम हो, यहाँ पर कौन सी जगह स्थान है, और भी लोग कोई आना चाहे तो? शांत अद्वैत आश्रम है, आप इसको किसी भी सोशल मीडिया पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। आगर से सुसनेर के ठीक मध्य में है ये, आमला के पहले जो नलखेड़ा का मोड़ आता है उसके पहले ये स्थित है। जी